हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो से आपको कोई भी फायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, आज देख सकते हैं मेरे पास है ये रेडमी का 9 पावर जो नया मॉडल है लॉन्च हुआ है वो। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या आ गया है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ये जस्ट ट्यूटोरियल जैसे ही सिखा रहा हूँ। ये मैंने खुद एक्टिवेट किया अपने फ़ोन में, ठीक है ना। तो आपका ये कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, इधर उधर हाथ लग जाए तो, और बटन प्रेस हो जाए तो, और सेटिंग में जाने के बाद उधर ऑप्शन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे आपको डिसेबल करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक ये बोल रहा है, तो ये चीज़ क्या है, इसको टॉक बैक बोलते हैं। तो ये चीज़ बनाया गया है जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड है उन लोगों के लिए। तो इसको आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए आपके सिंगल फिंगर से वर्क नहीं करेगा। देखिए अगर आपका सेट ऑफ रहेगा फिर भी वर्क नहीं करेगा, आपको टू फिंगर से आपको इसको स्क्रॉल करना है। तो करने के बाद आपको इधर सिंपली सेटिंग में वन टैप करके सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यहाँ से सेटिंग ऑन ना हो तो आप इधर से आके इधर जो सेटिंग दिख रहा है इधर डबल टैप कर सकते हैं। तो आने के बाद इधर आपको सिंपली एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी डबल टैप, फिर इधर विजन जो लिखा हुआ है आपको इधर आना है। आने के बाद इधर आपको सिंपली दिखेगा टॉल बैक। अगर आपके फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो इधर ही आपको ऐसा टॉल बैक का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसको आपको सिंपली डबल टैप कर इसका अंदर जाना है। तो इसको सिंपली डबल टैप कीजिए, स्टॉप डबल टैप। तो देख सकते हैं टॉल बैक पूरी तरीके से डिसेबल हो चुका है। तो आपको ऐसे ही करना है, आपका अगर किसी भी शामी फ़ोन में ये ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।